सबसे पहले तो मैं क्षमा आप सभी से मांगना चाहता हूँ कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर है इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए थे जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ था इसी तरीके के फ़ोटोज़ हमें मिले थे। लेकिन आप कोशिश करना कि जो मैं बोलता जाऊँगा उसको सुनिएगा, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जिसमें कोई परेशानी होगी अगर आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 5 से 10 सालों के सोल्वड क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की आप परचेज करना चाहते हैं, एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी कि कैसे आप इसको प्राप्त करोगे, क्या चार्जेस होंगे एंड सो ऑन। हिमाचल की कोई परीक्षा होगी ये पेपर्स बहुत काम आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, ये जो है फोक डांस है किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के? तो ये जो घी फोक डांस है ये सिरमौर का काफ़ी फेमस डांस है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ये है शिशु, इसको कहीं कहीं शिशु भी बोला जाता है, कहीं कहीं शिशु भी बोला जाता है और शिशु भी बोला जाता है इसको। तो ये दोस्तों साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो शिशु फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है मंडी में, तो ए ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म का ये फेस्टिवल है, ए ऑप्शन मंडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है किस मंथ में? और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पे मनाया जाता है तो आप इसको सीधा एक बात याद रखना, ये ऑल हिमाचल लेवल पर हमें देखने को मिलता है हरियाली फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, जब दोस्तों जुलाई मंथ चल रहा होता है तो इस टाइम जो ज़मीन है उसे नहीं जोता जाता, ठीक है, और जो बैल वगैरह हैं उनकी भी पूजा होती है। तो हरियाली जो है फेस्टिवल जुलाई में मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश में ये फेमस है। जामलू मंदिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो हैं जैसे ज्वालामुखी टेम्पल या फिर भीमाकाली टेम्पल, इनको पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ एक टेम्पल्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और नए क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जैसे जामलू टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ईजी था अगर ज़रा भी आपने मलाणा के बारे में सुना होगा, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जो लोकतंत्र या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मलाणा में ही है, कुल्लू में। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं जामलू देवता, जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि जो हैं वो, तो डी ऑप्शन सही है, जामलू टेम्पल आपको देखने को मिलता है मलाणा में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज कंफर्ड द टाइटल ऑफ कविराज? कविराज के नाम से उपाधि जो है किसे दी गई है? तो पद्मदेव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आता है सीधा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले परशुराम पुरस्कार किसे मिला था? तो आप सभी का आंसर होता है सोमन रावत। अब टफ करना हो एग्ज़ाम, उसका लेवल टफ करना हो, तो क्वेश्चन आएगा किस ईयर मिला था? तो 1987 आपको याद रखना है। लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन बन गया है कि क्वेश्चन से कि किस फील्ड में मिला है सुमन रावत जो हैं, ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स में? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश? तो 1903 में ये लगभग बन के तैयार हो गई थी, 1906 में स्टार्टिंग हो गई थी जो पैसेंजर्स वगैरह हैं, और ये हमें लॉर्ड कर्जन के टाइम पर देखने को मिली थी, जिसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 96.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, 103 सुरंगें स्टार्टिंग में थी, अब 102 हैं, और बड़ोक सुरंग जो है सबसे लंबी है, 1143 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मीटर्स इसकी लेंथ है। और जब मैं बात करता हूँ इसमें कितने पुल हैं, तो 864 के आसपास पुल हैं इसके ऊपर, और बाबा भालकू संग्रहालय भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है शिमला में इसी रेलवे के आसपास, और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं इससे रिलेटेड। फिलहाल आप याद रखना कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो है हिमाचल की कालका शिमला ही है। दोस्तों किन्नौर और गढ़वाल, गढ़वाल जो है बेसिकली उत्तराखंड, तो किन्नौर और गढ़वाल को कनेक्ट करता है कौन सा दर्रा? तो किन्नौर और गढ़वाल को कनेक्ट करता है बोरसा दर्रा, यानी कि उत्तराखंड को कनेक्ट करता है हिमाचल से बोरसा दर्रा। दर्रों को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद मुलकिला माउंटेन पीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुलकिला माउंटेन पीक जो है हमें किस जिले में देखने को मिलती है? तो ये है लाहौल स्पीति में।
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सरोमगा ग्लेशियर जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो सरोमगा ग्लेशियर है, सरोमगा ग्लेशियर ये कुल्लू में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट्स फ्रॉम बड़ा भंगाल? दोस्तों यहाँ पे दो, एक भाडल और एक तांतगिरी स्ट्रीम्स हैं। भाडल एक ग्लेशियर है, तांतगिरी भी एक ग्लेशियर है। यहाँ से दो स्ट्रीम्स आती हैं और इकट्ठी होती हैं, और ये रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा भंगाल से। तो यहाँ पे कांगड़ा में ही आपको याद रखना है जो नदी है रावी है। मंडी डोमिनियन जो है इसकी स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास किसने की थी? तो नाम याद रखो यहाँ पे बाहुसेन। मंडी डोमिनियन की जगह, राज्य की जगह अगर शहर पूछ लिया जाए तो शहर की स्थापना की थी मंडी शहर की अजबर सेन ने। तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। और गिरी सेन ने कौंथल की थी, बीर सेन ने जो आपका सुकेत है, ठीक है, सुकेत यानी कि जो सुंदरनगर वगैरह, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड एंड सो ऑन। ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज, दोस्तों जब मैं जहांगीर की बात करता हूँ तो 1620 ईस्वी में उसने क्या किया, जो कांगड़ा है उसको जीता। 1622 में वो कांगड़ा आया, नूरपुर से होके आया, क्योंकि नूरपुर का जो शासक था जगत सिंह, उसने काफ़ी हेल्प की थी मुगलों की, जो कांगड़ा का किला है उसको सीज करने में एंड सो ऑन। तो जगत सिंह जो है, जो सूरजमल था उसका भाई, उसने नूर जहाँ जो है उसको अपनी माँ माना हुआ था, माता, तो उन्हीं के नाम पर जो धमेरी है उसका नाम नूरपुर रख दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूँ कि सबसे पहले हिमाचल जो है विजिट किया था किस सिख गुरु ने, जो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव, उन्होंने, तो कब आए थे हिमाचल प्रदेश में? गुरु नानक देव विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर? तो 1514 ईस्वी। काफ़ी सारे एरियाज हैं जैसे धर्मशाला है, ज्वालामुखी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों इसका कॉमन नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या आप में से कोई स्टूडेंट वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला बता सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में बना हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, इसका आप केमिकल फॉर्मूला बताइएगा। सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो। तो सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो लार्वा है सिल्क बॉम का वो यूज़ होता है, तो सी ऑप्शन सही है। स्टीम इंजन जो है इसको इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? तो ये न्यू कॉमन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, स्टीम इंजन जो है, ठीक है, जो भाप से चलने वाला इंजन होता था, न्यू कॉमन। डेंसिटी अगर आपको मेजर करनी हो मिल्क की, अच्छा अगर आपने दूध वगैरह कभी लगाया होगा डेयरी वगैरह में, ठीक है, तो वो एक यंत्र जो है उससे चेक करते थे कि आपने पानी ज़्यादा डाला है या कम डाला है, तो उस यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं लैक्टोमीटर। ये ऑप्शन सही है। बाकी ये भी सारी चीज़ें देखा करो, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं हर एक एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपेगेटेड आउटसाइड इंडिया? दोस्तों आप सभी को पता होगा जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था ताकि वो प्रचार कर सकें जो बौद्ध धर्म है उसका यहाँ वहाँ। तो अगर मैं फॉरनर कंट्री की बात करूँ या फिर जो पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री, तो श्रीलंका है जहाँ पे सबसे पहले फैलाया गया था बौद्ध धर्म जो है उसको, उसका प्रचार किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं ये कंटेम्परेरी रहे हैं, किसके समकालीन रहे हैं? तो ये हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था। अगर हर्षवर्धन को उस टाइम नहीं हराते तो दोस्तों जो मुस्लिम इन्वेडर्स वगैरह हैं वो भी शायद भारत के ऊपर इतने हावी ना हो पाते, क्योंकि हर्षवर्धन काफ़ी मजबूत थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराया था। अच्छा कमेंट करके बताना पुलकेशिन द्वितीय जो हैं किस वंश से संबंधित हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद बलबन जो है दोस्तों आप सभी को पता है
जो रजिया सुल्तान है उससे आगे बलबन हुआ था। तो बलबन जो है किसके लिए फेमस है, उसने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जो है उसके ऊपर काम किया था? तो सही आंसर जो है शांति तथा सुरक्षा की स्थापना जो है बलबन के टाइम में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसेज हु इज हैड टू हैव आयरनाइज्ड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जो है दोस्तों उसमें क्या था, जो पुराने लोग थे मतलब जो भारत के मूल निवासी थे वो हमें देखने को मिलते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया से कौन आए, आर्य आए, तो उन्होंने खदेड़ दिया जो यहाँ के लोग रहते थे पहले। तो आर्य जो हैं साउथ तक भी गए, तो इसके पीछे कौन से ऋषि जो हैं उनका हाथ माना जाता है? तो अगस्त्य, डी ऑप्शन। हु कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर एंड गिव इट अ यूनिक मल्टी रिलीजियस कल्चर। जब हम बात करते हैं इंटॉलरेंस की, तो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस हमें देखने को मिली थी या फिर सेकुलरिज्म हमें देखने को मिला था अकबर के टाइम में। ठीक है, अकबर ने हर धर्म को बराबर माना था। महात्मा गांधी जी के तीन पहले सत्याग्रह बहुत फेमस रहे थे, एक चंपारण, फिर उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद। तो ये तीनों जो हैं काफ़ी फेमस हैं। 1917 में चंपारण और ये खेड़ा और अहमदाबाद जो है ये 1918 में हमें देखने को मिले थे। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल स्टेट। संघीय राज्य जो है दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक सदनीय होता है, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी होती है यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जो जज हैं, जजेस जो होते हैं न्यायाधीश, उनके पास अलग से अधिकार होता है और लिखा हुआ संविधान होता है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होती। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि अमेरिका वगैरह है वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। हमने ये चीज़ फॉलो करी है कनाडा से, तो इसमें स्टेट्स तो हैं लेकिन उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, उनका एक संघ है, मतलब भारत जो है ये राज्यों का संघ है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है सारा का सारा। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो और फिर देखो फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तीनों हैं। तो स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वेरियस जैसे लिटरेचर है, आर्ट्स है, वेरियस फील्ड्स जो हैं चार या इसके आसपास, तो वहाँ से 12 सदस्य जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। पहले क्या होता था, एंग्लो इंडियंस जो हैं वो भी नॉमिनेट किए जाते थे दो के आसपास लोकसभा में, लेकिन अब वो चीज़ बंद हो चुकी है। स्पेशल फीचर ऑफ द सिक्स्थ 5-ईयर प्लान वॉज, आप सभी को पता है वेरियस 5-ईयर प्लान्स हमें इंडिया में देखने को मिले हैं, लेकिन जो सिक्स्थ है उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा थी? तो वो है एरिया प्लानिंग, और गरीबी हटाओ कहाँ पे थी, किस पंचवर्षीय योजना में थी, कमेंट करके अभी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो हमारी पृथ्वी है, ए ऑप्शन। जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ विच कंट्री, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यूके में, मतलब जहाँ पे जीरो है। ये सपोज करो कि अर्थ है तो सेंटर में एक लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे जो जीरो है ग्रीनविच, जहाँ से ये टाइम वाला हिसाब किताब निकलता है, यूके है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और हम 5.5 घंटे जो हैं जीएमटी से आगे हैं। ठीक है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s जो हैं ये दोस्तों पोलर विंड्स हैं, मतलब ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो पोल्स वगैरह हैं यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती हैं, इनको बोलते हैं हम रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s। कैपिटल सिटी ये जो निकारागुआ है कंट्री, इसकी कौन सी है? तो सही आंसर है मानागुआ, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी रियो डी जनेरियो या फिर ब्यूनस एयरस या कारकस, ये फेमस सिटीज़ हैं, तो इनमें तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं था। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? तो
तो ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइबल पीपल भी सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये जे एंड के में है, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी ये हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है ये टेलीग्राम के ऊपर ही अवेलेबल होगी। तो 95 HP स्टडीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और परचेज़ करने हैं ये क्वेश्चन पेपर्स वगैरह 5 से 10 सालों के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग, तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना। 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।